हेलो दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन कोरबा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉप में जो ऊपर में हाइस लगा रहता है 40 वाट 60 वाट 100 वाट का, जी हाँ दोस्तों मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जो हम टॉप में ये हाइस लगाते हैं, ये हाइस 40 वाट 60 वाट 100 वाट का जो हम टॉप में लगाते हैं, अगर ये जल जाता है तो इसे हम रिपेयरिंग करके कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर वीडियो है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि अगर हमारा ये हाइस जल जाता है तो इसे हम रिपेयरिंग कैसे करेंगे। दोस्तों इसे आप टॉप में से अलग कर लीजिए, निकाल लीजिए, जिसमें दो वायर लगे रहेंगे उन दो वायर को ऐसा प्रेस करके अलग कर लीजिए और बॉडी से बाहर निकाल करके इसे रख लीजिए। उसके बाद ये ओपन कर लीजिए, खुल जाएगा, घुमा करके इसे खोल लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये ऑडियो टोन का प्रीमियम कंप्रेशन ड्राइवर मॉडल नंबर है AD441। इंपीडेंस 8 ओम है और पावर इसकी 60 वाट है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा चलते चलते आवाज़ आना बंद हो गया था, तो इसे हम खोल कर चेक करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप मल्टीमीटर से इसे आप चेक कर लीजिए, ऐसा करके ये आवाज़ देगा। जी हाँ दोस्तों, ये आवाज़ बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है, रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है ये, तो इसका मतलब है कि ये आपका कट गया है, जल गया है, जल के कट के अलग हो गया है, जिसकी वजह से हमारा इसमें से आवाज़ नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, ये सिर्फ 2 मिनट में बन जाएगा। दोस्तों इसको ओपन करने के लिए एलेंकी पाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसका एलेंकी पाने का नंबर आपका 3 mm होना चाहिए। ये दोस्तों इसे आप 3 mm कह कर हार्डवेयर दुकान से खरीद लेंगे, इसकी सहायता से आपका ये कंप्रेशन ड्राइवर यूनिट खुलेगा। ये ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, चार नट दिए हुए हैं इसमें, चारों नट को मैंने खोल लिया, ऐसा ही ये चारों नट की सहायता से ये अलग खोल के अलग रख लिया मैंने। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर में आपको यह डायफ्राम दिख रहा है, ये डायफ्राम बहुत ही नाजुक होता है दोस्तों। अगर इसमें बेस की ज़्यादा आवाज़ आ जाए, यानी कि अगर आप ज़्यादा बेस खोल देते हैं तो यह जलने की संभावना बने रहती है, और इसे आप खोल कर देखेंगे तो बहुत ही पतला कॉपर वायर इसमें यूज होता है। ये आपका घुंघरू की आवाज़, हारमोनियम की आवाज़, इस टाइप की आवाज़ों के लिए बना हुआ है। इसमें हम अगर बेस खोलेंगे, बेस की आवाज़ डालेंगे, बेस की फ्रिक्वेंसी देंगे तो यह जल जाएगा। तो दोस्तों आपको इस कंप्रेशन ड्राइवर यूनिट को चलाते समय आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि इसमें लो फ्रिक्वेंसी ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिसके लिए नेटवर्क भी आता है, आप नेटवर्क लगा लेंगे तो वह लो फ्रिक्वेंसी को काट करके सिर्फ इसमें हाई फ्रिक्वेंसी ही देगा। ठीक है दोस्तों, यह ख़राब हो चुका है, इसे हमें रिप्लेस करना है, तो मार्केट से आप यह ले सकते हैं। अब आप पुराने वाले को ले जा करके मार्केट से ऐसा मैच करा करके देख लेंगे, अगर यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैच करा लीजिए आप, अगर यह मैच हो रहा है तो इसमें परफेक्ट लगेगा। ये हमारा जल गया था, इसे हम अलग कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे यहाँ 200 रुपये का कीमत, आप हमसे हमारे शॉप में 200 रुपये में ले सकते हैं या हमसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे रिपेयर करने के लिए सोल्डिंग वायर, सोल्डिंग आयरन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे हमने इसे निकाला था उसी प्रकार से ये दो होल बने हुए हैं। ये जो ग्रिप जहाँ सोल्डिंग हुआ है, ये आपका दो होल बने हुए हैं, ये दोनों वहीं पर जाके ऐसे चल देंगे जिससे शॉर्ट सर्किट बिल्कुल नहीं होगा
मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि ये जो दो होल बने हुए हैं आपका, ये जो सोल्डिंग हुआ है, ये जो सोल्डिंग वाला पॉइंट है आपका, ये यहाँ पर चल देगा और आपका इस मैग्नेट से ये जो प्लेट दिख रहा है नीला वाला, ये इसको इतनी हाइट में उठा करके रखेगा कि यहाँ पर जो प्लेट है, जो सर्किट है, यहाँ पर जो आपका सर्किट है वो बॉडी से टच नहीं होगा। इसलिए कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, लाल इधर कर दीजिए या उधर कर दीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी करके इसे सिर्फ यहाँ पर आप कैसे करके लगाना है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने सावधानी के साथ लगा दिया, अब बिल्कुल ये फिट उसमें बैठ गया है। अब क्या करना है, अब जैसा हम इसे खोले थे इसको वैसा कि वैसा ही इसमें हम ऐसा करके रख देंगे, ठीक है। ये अपने जगह पे फिट बैठ गया है, चारों नट अपने जगह पे आ गए हैं। अब हमें 3 mm का एलंगी पाने की सहायता से इसे वापस टाइट कर देना है। टाइट करते समय ये ध्यान देंगे कि पहले नट को पूरा तरीके से टाइट नहीं करना है, पहले वाले को कम कीजिए, उसके बाद दूसरे वाले को भी थोड़ा कम कीजिए, तीसरे वाले को भी थोड़ा सा कम कीजिए, चौथे वाले को भी थोड़ा सा कम कीजिए, उसके बाद फिर वापस पहले वाले में आ जाइए, पहले वाले को और टाइट कीजिए, दूसरे को और टाइट कीजिए, तीसरे को और टाइट कीजिए, इस प्रकार से चौथे को भी टाइट कीजिए। यानी कि नंबर 1 से चालू करके धीरे धीरे हमको पूरा टाइट करते जाना है, एक ही बार में एक ही नट को पूरा टाइट नहीं करना है। यह इंजीनियरिंग टेक्निकल नियम है दोस्तों। दो मिनट से भी कम का समय इसे रिपेयर करने में लगा। अब कभी भी आपका यह ड्राइवर यूनिट खराब होता है, यह आपका कंप्रेशन ड्राइवर यूनिट आपका खराब होता है, तो आप मार्केट से पहले से 2-3 पीस आप खरीद कर अपने पास रख लीजिए, ताकि जब कभी भी आपका ये जले तो आप 1-2 मिनट में से वापस काम करने के लायक बना लें। जी हाँ दोस्तों, ये बन के रेडी है, अब इसे हमें प्ले करके चेक करना है बस। और उसके पहले मैं आपको मीटर से चेक करके दिखा देता हूँ। बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब सर्किट कंप्लीट है, कॉइल ओके है, हमारा ये है कंप्रेशन ड्राइवर बन के रेडी है, अब इसे प्ले करके चेक करना है। तो आइए इसे चेक करते हैं। ठीक है, मैं चेक करके आपको गाना सुना के दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया रिपेयरिंग हुआ है, वॉइस क्वालिटी जबरदस्त है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।